नमस्कार। अब फ्लोरीकल्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरीकल्चर के बाद हम आते हैं स्कोप ऑफ फ्लोरीकल्चर। तो आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ फ्लोरीकल्चर। स्कोप ऑफ फ्लोरीकल्चर यानी कि पुष्प से संबंधित जो विज्ञान फ्लोरीकल्चर जिसमें हम पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या महत्व है। तो भारत में पुष्प उत्पादन का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। पुष्प उत्पादन का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे साल फूलों की खेती की जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु पुष्प उत्पादन के लिए उपयुक्त है। दूसरी ओर हमारी भूमि में विभिन्न प्रकार के फूलों को सुगमता से उगाया जा सकता है। मतलब हमारे यहाँ की मिट्टी कुछ इस तरह की है कि हम उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पुष्पों को उगा सकते हैं, जबकि पाश्चात्य देशों में बर्फ की अधिकता के कारण फूलों को उगाना असंभव होता है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर 12 महीनों में से लगभग ज़्यादातर समय में बर्फ जमी रहती है, तो जिससे कि वहाँ पर फूलों को उगाना उतना आसान नहीं है। अतः हम अधिक से अधिक फूलों को उगाकर उन्हें विदेशों में भेजकर विदेशी मुद्रा को अर्जित कर सकते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर पुष्पों की खेती व्यापारिक स्तर पर की जा रही है। देश में लगभग 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती की जा रही है। अभी आज के समय में इतने हेक्टेयर भूमि में फूलों की खेती की जा रही है, और इसमें से लगभग 30,000 हेक्टेयर में केवल परंपरागत फूलों को उगाया जाता है। परंपरागत फूल यानी कि जैसे गुलाब है, मोगरा, चंपा, चमेली, रजनीगंधा, गुलदाउदी, क्रोसेंडा आदि, ये सारे जो पुष्प हैं ये प्रमुख हैं। और अन्य वर्तमान व्यावसायिक फूलों की खेती लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि पर होती है, जिसमें मुख्य रूप से गुलदाउदी, क्राइनेशन, ऑर्किड, लीली, ग्लैडियोलस, जरबेरा आदि हैं। भारत में प्रतिवर्ष फूलों का निर्यात बढ़ रहा है। मतलब अभी वर्तमान समय में निर्यात दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कृषि अनुसंधान परिषद के एक सर्वेक्षण के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ फूलों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, कन्नौज, जौनपुर आदि जिलों में फूलों की खेती पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। इन जिलों में सुगंधित तेल निकालने के लिए कारखाने स्थापित किए गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फूलों से जो सुगंधित पुष्प हैं, जैसे गुलाब है, चंपा है, मोगरा है, इनसे तेलों का निष्कासन किया जाता है। तो वहाँ पर ऐसे कई जिले हैं जिनमें सुगंधित तेल निकालने के लिए कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं, और विदेशों में ये इस तरह के इत्र की या जो सुगंधित तेल जो बन रहे हैं, इनकी काफ़ी डिमांड है। देश में विभिन्न प्रकार की सॉइल व जलवायु की उपलब्धता के कारण लगभग सभी प्रकार के शोभाकारी वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएँ और मौसमी फूलों को आसानी से उगाया जा सकता है। सूखे स्थान से लेकर पानी तक तथा मैदान से लेकर पर्वतीय क्षेत्र तक विभिन्न प्रकार के पुष्पों को उगाया जा सकता है। पाश्चात्य देशों में सर्दी में बर्फ के कारण फूलों को ग्लास हाउस में उगाया जाता है, जिससे लगभग मूल्य जो इनकी लागत मूल्य है वो अधिक हो जाती है, और भारत में उस समय कम खर्चे पर अधिक फूल सुगमता से उगाए जा सकते हैं, जिन्हें बाहर भेजकर अधिक लाभ उठाया जा सकता है। भारत में एक ही प्रकार के फूलों को विभिन्न मौसमों में उगाया जा सकता है, जैसे बेंगलोर में एस्टर व कॉर्नेशन को सर्दियों की शुरुआत में उगाया जाता है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में सर्दियों के अंत में दिसंबर से मार्च में उगाया जाता है, और पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मियों में उगाया जाता है। अतः भारत में ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की असीम संभावनाएं हैं। अब अनेक पुष्पों के कंद जैसे एमरेलिस,
कैना, क्राइनम, लीली, ट्यूबरोज, जरबेरा आदि को समुद्री जहाज़ों द्वारा कम खर्चे पर विदेशों में भेजा जा सकता है और काफ़ी विदेशी मुद्रा को अर्जित किया जा सकता है। बीज और कंदों के अलावा, मतलब जो बल्ब होते हैं उनके अलावा, फूल वाले पौधों की भी विदेशों में काफ़ी अधिक डिमांड है और इन्हें बेचकर काफ़ी लाभ उठाया जा सकता है। गुलाब, चमेली, ट्यूबरोज, मोगरा आदि के फूलों से इत्र निकाला जाता है और इनकी खेती को बढ़ावा देकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, जिससे आय में वृद्धि हो सकती है। वन विभाग व उद्यान विभाग द्वारा सुंदर फूल वाले वृक्षों को गाँव के तालाब के चारों ओर, सड़कों के दोनों ओर लगाए जाने पर बल दिया जा रहा है। ऐसा करने का प्रमुख उद्देश्य गाँवों को दूषित वातावरण से बचाया जा सकता है और भूमि में फूलों का उत्पादन करके आय में वृद्धि की जा सकती है। मतलब दो पर्पस सॉल्व होते हैं, एक तो आय में वृद्धि हो गई और दूसरा पेड़ों से वातावरण जो स्वच्छ होता है और प्रदूषण से बचा जा सकता है। गाँवों में गुलमोहर, कचनार, शहतूत, बकान आदि के वृक्ष लगा के प्रदूषण रहित वातावरण बनाया जा सकता है और वातावरण प्रदूषण रहित वातावरण के साथ ही साथ वातावरण को जब उसमें सुंदर पुष्प खिलेंगे पौधों पर तो वातावरण अपने आप ही सुंदर हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रदूषण रहित वातावरण और सुंदर वातावरण निर्मित हो जाता है। डॉक्टर रंधावा के अनुसार जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संरक्षण की आवश्यकता है उन्हें तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे तीन श्रेणियां जो है वो राष्ट्रीय पार्क व सुरक्षित वन अंचल, भूतत्व विद्या संबंधी स्मारक एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र और स्थानीय महत्व के सुरक्षित स्थान। राष्ट्रीय पार्क व वन प्रधान क्षेत्रों में विकसित ऐसे अंचल जहाँ पर लैंडस्केपिंग में अद्वितीय सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है, और दूसरी श्रेणी में सभी स्थान पहाड़ी टीले आते हैं और इन्हें भी प्राचीन इमारतों की भांति संरक्षण मिलना चाहिए ताकि वे अपने और दर्शकों को काफ़ी समय तक आकर्षित कर सकें। पुष्प उत्पादन में आजकल औद्योगिक विकास की विभिन्न संभावनाएँ उत्पन्न हो रही है और इससे वनस्पति से प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ किया जा सकता है और पुष्प उत्पादन से अपार संभावनाएं हमको मिलती है। एक तो कमर्शियल रूप से हमको काफ़ी संभावनाएं मिलती हैं क्योंकि पुष्प जो है वो ऑर्नामेंटल बेसिस पर हमारे यहाँ जितने भी फंक्शन होते हैं मंदिरों में, शादी ब्याह आदि सभी तरह के फंक्शन में पुष्पों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम यदि पुष्पों का उत्पादन करें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में या आय में जो सीमित आय है उसमें वृद्धि की जा सकती है। एक तो आय का स्रोत हो गया, दूसरा वातावरण को सुंदर बनाया जा सकता है, प्रदूषण रहित वातावरण निर्मित होता है। काफ़ी सारी संभावनाएँ पुष्प उद्योग से हमको मिलती हैं। और कुछ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं जा सकते हैं, जिससे पुष्प उत्पादन को बढ़ाने के लिए गाँव, नगरों, शहरों में उद्यान समितियों का गठन किया जा सकता है और ये समितियां अपने सदस्यों को पुष्प उत्पादन में प्रशिक्षण देने का काम करके या उचित प्रशिक्षण देकर उनको मौसमी फूलों के बीज जैसे गुलदाउदी है, गुलाब, केली, डहेलिया इनका प्रबंध करें तो पुष्प उत्पादन बढ़ सकता है। जन साधारण को आकर्षित करने के लिए पुष्प प्रदर्शनियों का विभिन्न स्तरों पर आयोजन किया जाना चाहिए। इसके बाद जन साधारण में रुचि जागृत करने के लिए सामुदायिक केंद्र जैसे विद्यालय और अन्य स्थानों पर इनके बारे में चर्चा की जानी चाहिए और खेतों, घरों, गमलों आदि स्थानों पर पुष्पी पादप को लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार पत्र आदि के माध्यम से इन क्षेत्रों में हुए नव अनुसंधान और नव विकसित किस्में, कृषि कार्यों आदि की जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि जो किसान खेती में पुष्पों की खेती करता है तो उसको काफ़ी सुविधा हो सके और अधिक पुष्प उत्पादन किया जा सके। कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रादेशिक भाषा में संबंधित साहित्य निःशुल्क वितरित किया जाना चाहिए। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को बिजली, पानी, उर्वरक आदि ऋण सुविधाएं मिलनी चाहिए। निर्यात के लिए किए जाने वाले फूलों, बीजों, बल्ब, पौधों, इत्र आदि में उनको जो चार्जेस लगते हैं उनमें निर्यात के लिए जो चार्जेस लगते हैं उनमें छूट मिलनी चाहिए। ऑर्नामेंटल प्लांट पर अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। पुष्प उद्योग के संगठन और विकास में तकनीकी और आर्थिक सहयोग से सरकार को देना चाहिए आर्थिक सहयोग, ताकि फूलों का उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। पुष्प उद्यान विषयक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, तो फूलों की खेती को वैज्ञानिक ढंग से करने के प्रयास से निश्चित तौर से देश में फूलों के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जिससे पुष्प उत्पादकों की आय में वृद्धि होगी, साथ ही देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। तो इस प्रकार से फ्लोरिकल्चर में बहुत ज़्यादा वर्तमान समय में बहुत स्कोप है। धन्यवाद।